मंत्री जी, देख लीजिए अपने पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों का कारनामा। आपका ये अधिकारी कर रहा आपको बदनाम, बीजेपी सांसद बोले अधिकारी सुधरे। नहीं सुधरा आपका अधिकारी तो सड़क बना रहा ठेकेदार लूट लेगा विभाग का पैसा। फिर भी आपका लापरवाह अधिकारी बैठा मौन और ठेकेदार सही नहीं बना रहा सड़क। बीजेपी सांसद अधिकारियों से नाराज और ग्रामीणों ने बताया सही नहीं बन रही सड़क। ग्रामीणों की गुहार, बीजेपी सांसद नाराज और योगी सरकार की पुकार को दरकिनार करता ये लापरवाह पीडब्ल्यूडी अधिकारी, जिसकी वजह से सड़क बना रहे ठेकेदारों की करतूत सामने आई है। करोड़ों की लागत से जहां एक तरफ सड़क बनाई जा रही है तो दूसरी ओर सड़क पर गिट्टियां उखड़ती नजर आ रही हैं, जिसको लेकर राहगीर ग्रामीणों ने सड़क बना रहे ठेकेदारों की पोल खोल दी। एक महीने से काम चल रहा है लेकिन सही नहीं चल रहा है। क्या दिक्कत है? जगह जगह पर उलड़ रहे हैं। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? आप सही बनाया जाए और क्या चाहते हैं? इसी मार्ग से आप लोग आते जाते हैं? ये गोपतपुर से गाय घाट संपर्क, ये कैसा बन रहा है? काला पेन से करा था, वहाँ बनाओ जात है, वहाँ निकुलत जात है, कहूँ कहूँ डूब जा मत जात है। क्या चाहते हैं आप लोग? अरे का अच्छा काम हो और कहो, जब पैसा उठा है, टेंडर भरा है तो कैसे बना रहे हैं, क्यों उजर जा रहा है? अभी ऐसा जो डामर कान कौन करिया करिया ला है, वह मेरे के बस, वो काला कह के आपने दबाए दिया था, बाद में उजरे लागत थे। तो वही दूसरी तरफ बहुचर्चित गोंडा जिले के बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही देख विभाग को नमस्ते किया और जिले के लापरवाह अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि सुधर जाए। मार्ग पर मैंने थोड़ा सा एक मॉडल दिखाया था कि गोंडा जिले की लापरवाही, ये इस समय हम एक पुलिया पर है, ये पुलिया का छेद दिखाइए, ये छेद हो गया है और ये भी सालों से है। इस विषय में भी मैं उठा रहा हूँ, अचानक कोई बच्चा विद्यार्थी अगर आवे और उसकी मोटरसाइकिल इसमें गिर जाए तो क्या करेगा? ये है हमारा गोंडा जिला महान। जय हो पीडब्ल्यूडी जी। ये तुम्हारे गड्ढा है, ये देखिए, ये भी एक गड्ढा है। लेकिन सबसे खतरनाक स्थिति, ये कौन सा मार्ग है भाई बाबू, ये कौन सा मार्ग है? शरीफगंज बंधा मार्ग, विधानसभा तरफगंज। ये देखिए, ये पुलिया है, अब इसमें किसी बच्चे की मोटरसाइकिल अगर गिर जाए तो क्या वो जिंदा बचेगा? क्या किसको दिखाई पड़ता है? किस जेई के अंडर में सड़क है? सड़क अभी ठीक है, थोड़ी सी मरम्मत की जरूरत है, लेकिन देखिए ये जान लेने का काम है, ये जान लेगा, ये कोई बाहरी बच्चा आ जाए काम इसलिए इससे चलेगा? संज्ञान में नहीं, हम तो क्या बताएं, मतलब तानाशाही चल रही है, कार्यकर्ता सुधर जाए, अधिकारी ना सुधरे, कार्यकर्ता सुधर जाए, अधिकारी ना सुधरे। जय हो अधिकारी की, जय हो पीडब्ल्यूडी की। दरअसल ये पूरा मामला गोंडा जिले का है, जहाँ पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा 1,71,21,000 की लागत से ब्लॉक छपिया के अंतर्गत तेजपुर गायघाट से घनश्यामपुर की सड़क बनाई जा रही है, जिसको लेकर राहगीर ग्रामीणों ने सड़क बना रहे ठेकेदारों की पोल खोल दी। अब इसी पूरे प्रकरण के मामले पर पहले सुनिए जिम्मेदार लापरवाह अधिकारी का बयान। देखिए, मनसुखपुर पिच रोड जो है वो 3 किलोमीटर लंबाई की है और इसकी लागत 1,71,21,000 की है और मुझे लगता है अभी जो है पेंटिंग इस पे कार चल रहा था कुछ दिन पहले, जो है अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो कार प्रगत पर है, तो अगर कहीं पे कमी दृष्टिगोचर होती है या कमी पाई जाती है तो उसको, अभी क्योंकि काम चल रहा है तो उसको तुम तत्काल रिमूव करके दोबारा कराया जाएगा। तो सुना, क्या कमाल है साहब, आपने तो ऐसा बयान दिया कि करोड़ों रुपये की लागत से बनाई जा रही सड़क मानो कोई खोल रहा हो। बताइए भला ऐसी लापरवाही क्योंकि कि दोबारा उसी सड़क को बनाने की जरूरत पड़े। अगर आप कुर्सी छोड़ सड़क बना रहे ठेकेदारों की रियलिटी चेक किया होता तो शायद इस तरह के कारनामे न उजागर होते और न ही खुड़ती सड़क को दोबारा बनाने की जरूरत होती। फिर तो सरकार और मंत्री की न होती बदनामी और जनता करती सरकार की तारीफ। गोंडा से माई भारत के लिए सतीश वर्मा की रिपोर्ट।